हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। और आज हम लेके चल रहे हैं आपको जो चित्तौड़गढ़, जो कि सेठों की नगरी से नाम से जाना जाता है। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो व्यापारी होते हैं वो श्री सांवलिया सेठ जी के 50% में कारोबार करते हैं। तो आइए, आशा करता हूँ आज हमारा ब्लॉग 2 है, आप लोग सब बहुत इच्छुक होंगे देखने के लिए। तो चलते हैं हम आज हमारे ब्लॉक की ओर। तो देखिए, आज हमारे एंट्री गेट है जहाँ से दोस्तों हम एंट्री कर चुके हैं। ये हमारी प्यारी सिस्टर जो कि वहाँ पे एंजॉय कर रही हैं, उसी से हम थोड़ा आगे बढ़ते हुए हैं और यह मंदिर में हम घूमते हुए फिर आगे जाते हुए। दोस्तों खास बात यह थी, वहाँ पर भीड़ इतनी गहरी थी और ये हम सब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। ये हमारी चिपकी ये जहाँ भी दिखती है वहाँ पे शुरू हो जाती है। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो कि मंदिर है उसी में नृत्य करते हुए फिर दोस्तों हम अपनी सारी फैमिली के साथ आगे बढ़ते हुए। आगे बढ़ने के बाद हमने फिर सांवरिया की जो कि जहाँ से हम दर्शन करना चाहते थे उसी लाइन में हम लग गए। दोस्तों बात तो ये थी कि हम है ना वहाँ पे बहुत इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि हम सुबह से आ रहे थे। जैसे ही हम मंदिर में घुसे हमें लाइन देखकर हम चौंक गए। दोस्तों खास बात तो ये थी, लाइन इतनी बड़ी थी क्या बोले दोस्तों। फिर हमने वहाँ से थोड़े बहुत क्लिप लिए सांवरिया जी के। फिर वहाँ से यह गार्डन था जहाँ पे हम अच्छे से अपने फ़ोटो क्लिक कर चुके थे। फिर दोस्तों हम वहाँ पे घूमे जहाँ की पेंटिंग इतनी अच्छी मस्त पेंटिंग थी वहाँ पे, बहुत अच्छी थी। ये हमारे सब घूमने वाले एंजॉय थे दोस्तों। वो दोस्तों ये देखो जो कलश दिख रहा है वो 10.5 किलो का है दोस्तों, वो भी पूरा गोल्ड के साथ। और खास बात ये रही दोस्तों वहाँ की जो देखने के नज़रिए थे वो अलग थे। ये ताओ की मूछें देखो दोस्तों, ये भाई का आईफोन देखो दोस्तों क्या बताऊँ मैं। वहाँ का नज़रिया जो छोटा कलश है वो भी गोल्ड है दोस्तों। जिस ध्वज पर ये झंडा ले रहा है वो भी पूरा गोल्ड है दोस्तों। यहाँ पर ऐसा माना जाता है जैसे दोस्तों यहाँ पर इतना सोना भरा हुआ है और जो सोने के सरकार हैं दोस्तों वो उसी मंदिर में सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ है दोस्तों, जो कि हमारे आराध्य श्री कृष्ण भगवान हैं दोस्तों। फिर अपने दोस्तों के साथ क्लिक की, फिर हमारा भाई पीछे चिकू और अपने सभी सहपाठी अपने साथ जाते हैं दोस्तों। जैसे हम आगे बढ़े वहाँ पर श्री गणेश जी के दर्शन करने थे मंदिर में, क्योंकि ऐसा माना जाता है वहाँ पर श्री गणेश जी के साथ में लगे थे दर्शन अशुद्ध माने जाते हैं। कोई भी परंपरा भी चल रही थी, हमने भी वैसा किया दोस्तों। हम वहाँ पर गए, हमने भी पहले तरफ दोनों साइड में थी, जेंट्स अलग थे तथा लेडीज अलग थी। तो दोस्तों हम भी वहाँ से निकल गए आगे की ओर। सभी देख लो दोस्तों गणेश जी के पैरों पर घुटना प्रणाम स्वीकार कर रहे हैं दोस्तों। ये आप देख चुके हैं हमें गणेश जी, जिसने पूरे जितने भी जनता थी जितने व्यक्ति थे सब उनके हाथ लगा रहे थे दोस्तों। तो हम भी निकल चले फिर वहाँ से दोस्तों। हमने भी बड़ी मुश्किल से दोस्तों अपना हाथ लगाया, ये अपना हाथ लगाया दोस्तों हम निकल चले। अब ये देखते आप वहाँ का नज़ारा जो गोल्ड का बना है दोस्तों, पूरा गोल्ड जितने भी आपको पूरे गोल्ड के बनाए हैं दोस्तों। हालांकि क्या करें, जाने के बाद जो हमें वो शांति फील हुई दोस्तों, क्या बताऊँ मैं आपको, इतना सुकून जो कि मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों। क्या करें दोस्तों, लाइनों में इतनी भीड़ थी, हालत हमारी बहुत ख़राब हो गई थी दोस्तों। अब क्या होता है, कुछ रहा ही जा रहा, बस हमसे 10 करोड़ दूर हमारे सांवलिया जी सेठ दरबार बैठे हुए थे दोस्तों।
फिर वहाँ से हमने भी बड़ी मुश्किल कर करा के जो गार्ड थे उन्होंने फोटो क्लिक मेरे लिए मना कर दी थी दोस्तों। तो लालगढ़ी हम आ गई थी दोस्तों, आप देख रहे होंगे हमारी सरकार हमारे आंखों के सामने बैठे हुए हैं, जो कि पूरे गोल्ड के टेम्पल में हैं और अंदर पूरा गोल्ड है दोस्तों। राम राम, जय श्री राम।